बिल्कुल आप सोच रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, आपको बता देते हैं, मैं एकदम अपने रॉ अवतार में खड़ी हूँ, मैं बस वेट ही कर रही हूँ कि कब कोई मेरे ऊपर साड़ी ड्रेप करेगा। जी हाँ, मेरे साथ है पूजा बिस्वाल जो कि है मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट, और पूजा को पता है कि मैं कितनी बड़ी नूब हूँ, मुझे साड़ी ड्रेप करनी बिल्कुल नहीं आती है, तो आज पूजा जो है मुझे स्टाइल करेंगी विद दिस ब्यूटिफुल ब्राउन क्रेप साड़ी, जिसके ऊपर जो है एक बहुत ही प्यारा वर्क भी हो रखा है। ये देखिए बहुत खूबसूरत जो है इसके बॉर्डर पे जो है वर्क हो रखा है, तो इस साड़ी में पूजा मुझे स्टाइल करेंगी। तो पूजा बिना किसी देरी के चलिए फटाफट आप मुझे स्टाइल कीजिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए? पहले हम इसको यहाँ से टक कर देंगे। ओके, मुझे साइड से इसको टक करना है। तो गाइस साइड से और मिड से आपको इसको टक करना है साड़ी को, उसके बाद अब इसको रोल करके जो है, उसके बाद मुझे दोबारा इसे साइड पे टक करना है। तो अब पूजा जो है पल्लू की जो है पल्लू तैयार कर रही है, जिसको वो बहुत ही प्यार से, यू नो, विद लव शी इज मेकिंग ऑल दोज प्लेट्स। ठीक है, अब ये जो हमने जो बड़ा एरिया लिया है जिसके अंदर साड़ी जो है यहाँ से वो बनेंगे, आई थिंक नीचे से प्लेट्स बनेंगे। देना पल्लू मेरा ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी सी लंबी है, तो गाइस पल्लू के हिसाब से ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा इसको। वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना पल्लू लंबा, कितनी लेंथ चाहिए इसकी। तो गाइस इतना पार्ट तो हमने कर लिया रैपिंग एंड ऑल, अब इसके बाद हमें दोबारा इसे जो है यहाँ से टक करना है साइड से। ये देखिए उंगलियों का काम है पूजा, कैसे अब बस तीन उंगलियां लेके उसके ऊपर बस उसको रैप करना है। हम पांचों को ही यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो चार हैं ये अंदर रहेंगे और एक इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, और इसको हम मैच करेंगे, आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से हो रहा है भाई। आई थिंक इसके बाद तो पूजा शायद मैं अपने आप भी साड़ी पहनना सीख जाऊं। बिल्कुल पहन सकती हो। पकड़ूं इसको? हाँ ठीक है, एक मिनट। तो हमारी प्लेट्स जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं, आप बाकी वाले पार्ट को टक कर सकते हैं, और इसको भी प्लेट्स को भी आपको अंदर टक कर देना है। अच्छा, अब ये जो नीचे प्लेट्स का पार्ट है इसको कैसे हम वो करेंगे कि बिल्कुल सही है? इसको नीचे एक के बाद एक के साथ मिला के इसको हमें देखना है कि यहाँ से पूरा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, खुला रखोगे? हाँ खुला भी रख सकते हैं या फिर इसकी प्लेट्स भी कर सकते हैं। मैं दोनों स्टाइल आपको करके दिखा देती हूँ। एक तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, देखिए एक स्टाइल है ऐसे जो आप वेयर कर सकते हैं, अगर आपको यू नो उसको टक नहीं करना है तो आप इस तरीके से जो है साड़ी को ये रख सकते हैं, इसका जो प्रॉपर बॉर्डर है वो सब भी दिखेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा अड़ रही है, जैसे पूजा ये जो है मेरा पूरा ठीक कर रही हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, तो जैसे पूजा ने मेरी ये साड़ी स्टाइल कर दी है, तो इसके अंदर जो मेरा ये है पल्लू है ये पूरा खुला हुआ है, तो इसको मैं अगर यू नो फ्लेयर ट्वर्ल कर सकते हैं। हाँ, मैं टर्न करूंगी ट्विस्ट करूंगी तो ये काफी इजी फ्लोइंग है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। ये फिर अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरे अड़ेगा, मैं कुछ काम करूंगी, कुछ पिक करूंगी या कुछ खाना खाऊंगी तो ये शायद गंदा हो सकता है, तो इसको हम टक भी कर सकते हैं। तो पूजा इसको एक बार टक करके भी देखें, जैसे आपने प्लेट्स बनाई थी वैसे ही आप इसको थोड़ा थोड़ा ले लेके इसकी ऊपर तक इसको आप करते जाइए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना पोर्शन जो है ऊपर टक करना है। तो ध्यान रखिए जब आप साड़ी पहन रहे हैं ना, तो इसको पिन भी लगा सकते हैं, पिन तो बिल्कुल लगा सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अंदर जो नेक वाली लाइन है ना वहाँ पे करिए, क्योंकि अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड है ना तो वो आपकी पूरी जो फिगर है उसको अच्छे से जो है डिफाइन करेगा, अदरवाइज इट वुड लुक वेरी बैड, ऐसा लगेगा कि आपके शोल्डर्स एकदम फ्लेल हो रहे हैं। तो हमें एकदम बढ़िया पोस्चर चाहिए, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा नेक वाली साइड पे जो है हम इसे पिन करेंगे। हो गया? और आप चाहे अगर यहाँ पे आपको ऐसे चलने में दिक्कत हो कुछ हो या लगे प्लेट्स खुल जाएंगी तो आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यार मुझे डाउट है कि मेरी प्लेट्स मैंने बनाई हैं लेकिन खुल भी सकती हैं, तो उसके लिए भी आप इसको आराम से जो है पिन अप कर सकते हैं। तो दिस इज माई फाइनल साड़ी लुक, लग रहा है ऐसे भारत मैट्रिमोनी वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए अब तो। सो गाइस मुझे बताइए आपको पूजा की मेहनत और मेरी कमेंट्री कैसी लगी। डेफिनेटली मुझे तो बहुत मजा आया अपने ऊपर साड़ी ड्रिप करवाने में, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना ज्यादा इजी है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप ये तरीका ट्राई करेंगे या नहीं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रेंड्स 9।